नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। लेबनान और हिजबुल्ला के बीच जंग इस वक्त इस दौर में पहुंच गई है कि दुनिया के तमाम देश अपने नागरिकों की हिफाजत के लिए परेशान हो उठे। तमाम देशों की सरकारों ने अपने अपने नागरिकों को तुरंत लेबनान छोड़ने की हिदायत दे दी है। इस कड़ी में अब भारत भी आता दिखाई दे रहा है, जिसे साफ तौर पर लेबनान में रह रहे नागरिकों को तुरंत लेबनान छोड़ने की बात कह दी है। सरकार ने नागरिकों से ये कहा है कि वो इंडियन एम्बेसी के संपर्क में रहें और दुनिया के कई देशों ने लेबनान को लेकर एडवाइजरी जारी कर दिए। आपको बताएं कि वरिष्ठ इजरायली जनरल ने लेबनान में संभावित ज़मीनी कार्रवाई की चेतावनी दी है, जिससे लेबनान के साथ पूरे मिडिल ईस्ट की नींद जो है वो उड़ चुकी है। लेबनान में ख़तरा किस हद तक बढ़ गया है, इसका अंदाज़ा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया करके पूरी दुनिया को सचेत रहने की हिदायत दे दी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि इसराइल और हिजबुल्ला के बीच तनाव बढ़ने के कारण बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ने की आशंका, हालांकि इस खून खराबे को रोकने के लिए कोई रास्ता निकाला जा सकता जिससे किसी भी निर्दोष व्यक्ति की जान ना जा सके। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने पूरी दुनिया को सचेत रहने की नसीहत दी है। तो वहीं पर इससे पहले हिजबुल्ला ने बुधवार तड़के तेल अवीब सहित इसराइल के कई जगहों पर मिसाइलों से हमले किए हैं और इसराइल ने भी हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया। हिजबुल्ला का तेल अवीब पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। इसराइल का ये कहना है कि वो हिजबुल्ला के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए अपने रिजर्व सैनिकों को सक्रिय रहने की नसीहत दे चुका है, जिससे स्थितियां और भी ज्यादा तनावपूर्ण होती दिखाई देंगी। बहरहाल अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये जंग आखिर कहां पर जाकर रुकती है और इससे जंग से मिडिल ईस्ट सहित किस किस देश को कितना नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि लगातार जंग होने से काफी ज्यादा नुकसान मिडिल ईस्ट के साथ पूरे देश की इकोनॉमी और वहां के लोगों को होता नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप ताज़ातरीन खबरों और छोटी बड़ी हर खबर के लिए बने रहें न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।